मुझे ये बताएं, जैसे अभी आप ये बात कर रहे हैं, हमारी मूवीज जो हैं वो कौन सा मुख्तलिफ है? उसमें जो है उसमें भी तो वैसे ही सब कुछ हो रहा है। मूवीज में डांसेस देख लें, आप सॉन्ग्स देख लें, कपड़े देख लें। अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं, हम तहजीब की बात करते हैं, तो या तो फिर हमें एग्जांपल बनना चाहिए और फिर हमें दूसरों को करेक्ट करना चाहिए। आपको ऑफ कोर्स देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म को इस तरह डिफेंड नहीं कर रहा कि हम बहुत अच्छा काम करें। हम तो अच्छा काम कर ही रहे, उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी। लेकिन हमारा काम प्रमोट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ हम उसकी वजूहत, हाँ अगर हमें कहा जाता है कि जी ये हम आपको सपोर्ट करें, आप अच्छा काम करें, अच्छी फिल्में बना के दिखाएं, फिर अगर ना बने तो फिर अभी तो देखिए प्राइवेट सेक्टर से कोई शख्स आता है पैसा लेके, अपना पैसा लेके वो कुछ भी बना ले फिल्म, उसको कोई रोकने वाले नहीं है। सही। तो इल्ज़ाम फिल्म इंडस्ट्री पे आ जाएगा। लेकिन जब कोई इदारा बनेगा, उस इदारे के थ्रू आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, आपको कैमरे दिए जाएंगे, आपको इक्विपमेंट के हवाले से आपको साउंड दिया जाएगा, आपको रिपोर्टिंग दी जाएगी, और आपको जब ये कहा जाएगा कि आप अच्छी फिल्म बनाएं, तो फिर अगर गुज्जर मार का फिल्में बने, फिर अगर वायलेंस बेस्ड फिल्में बने, तो फिर आप कह सकते हैं जी आप नालायक हैं। हमारी वैसे तो मिनिस्ट्री है फॉर एंटरटेनमेंट आर्ट्स एंड कल्चर, हाउ फार हैज इट बीन इफेक्टिव टिल नाउ? देखिए मैं उनको इसलिए कोई दोष नहीं देता हूँ, कोई इसलिए उनको मैं परेशान नहीं करता हूँ कि अभी हमारे मुल्क में और बहुत से झंझट हैं, बहुत परेशानियाँ हैं जिनको सॉल्व करना है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत पीछे है, अगर होना होता तो आज से 10 साल पहले होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। 10 साल से या 5 साल से हम बड़ा मुश्किलात में हैं, ऐसा फेज़ हम पे आया हुआ है कि हम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अपने इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये इस जंग से निकलेंगे, इस फेज़ से निकलेंगे, तो फिर हम मांगेंगे। अभी तो हमें उनको खुला छोड़ना चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि अपनी गवर्नमेंट को, अपने इदारों को, जो वो दूसरे काम कर रहे हैं वो फिल्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको वो करना चाहिए। Very nice to know that आपका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। उन नौजवानों को आप क्या कहेंगे जो इस वक्त एक्टिंग में आना चाहते हैं, मूवीज में आना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते? फीमेल्स के लिए तो ये स्पेशल, यू नो, बेधड़क आना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि एक्टर जो है ये बहुत स्पेशल शख्सियत होता है। ठीक है, कई करोड़ों में एक एक्टर होता है, वरना सारे एक्टर बन जाए। सही। तो अगर किसी में टैलेंट है तो उसको ज़ाया मत करे, उसको दबाए नहीं, आगे बढ़े। इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है। चलें फिल्म इंडस्ट्री को आप भूल जाएं, फिल्म इंडस्ट्री को एक लम्हे के लिए नहीं, आपकी मुल्क की एक ऐसी आर्ट फॉर्म को आपकी ज़रूरत है, आपके टैलेंट की ज़रूरत है, आपको आगे आना चाहिए। कोई तरीका है किसको कांटेक्ट करें? ये मैं उन सब नौजवानों के लिए पूछ रही हूँ who want to be actors and who want to be actresses, who want to sing and yet they don't have a platform. Why don't we create a platform for them? ये platform ठीक है। So if Paragon, you want to be actors, if you want to be actresses, email us on achieversama@gmail.com. And we will forward your request to Sayyed Noor Sahab. बिल्कुल। And then we can screen you perhaps for. और आपको ये फैशन ख़त्म कर देना चाहिए ये कि जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बहुत बुरी है, बहुत अनपढ़ लोग हैं, बहुत आप अच्छे हैं ना, आप आ जाइए, इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगी। अच्छों की ज़रूरत है, बुरों को निकाल दें आप। लेकिन अगर आप बाहर बैठ के बुरों को बुरा कहते रहे तो यहाँ बुरे और जन्म लेंगे। ज़रूरत है अच्छों की। आप अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप आएँ, आप उनको हटाएं, इन्वॉल्व हो जाएं, अपनी इसको इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को समझ के चैलेंज दें कि इंडिया को, जैसे इंडिया में कोई बात होती है, क्रिकेट मैच होता है और आप वहाँ खड़े होकर सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी टीम को, एक शोर मचा रहे होते हैं, आप वो हारते हैं तो आप उदास हो जाते हैं, वो जीतते हैं आप खुश हो जाते हैं। इसी तरह आपको अपनी इंडस्ट्री के लिए फ़ाइट करना है, इंडस्ट्री के लिए आप आएँ, अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करें, उनके एक्टर्स को अगर अच्छे नहीं हैं उनको अच्छा बनाएं, उनको सपोर्ट करें, उनकी फिल्मों को सपोर्ट करें। अगर अच्छी फिल्में नहीं हैं, बुरी फिल्में हैं, उनको देखें और वहाँ खड़े होकर क्रिटिसाइज़ करें, देखें नहीं हम देखने आए। अब अगर आप देखने ही जाएंगे तो वो चंद लोग जो हैं वो वैसी ही फिल्में देखेंगे और वैसी फिल्में बनती रहेंगी। अगर आज आपसे ये पूछा जाए कि आप इस पर्सनालिटी में कैसे तब्दील हुए, हाउ डिड यू बिकम हु यू आर टुडे, आपकी सक्सेस का राज क्या है,
How did you achieve all of this? तो आप क्या जवाब देंगे? देखो, अगर आप कुछ अचीव करना तो अपना आप मिटाना पड़ेगा आपको, आप बिल्कुल मिट जाएं। मैंने फ्लोर भी साफ किए अपने स्टूडियोज की, मैं 35 किलोमीटर दूर अपना घर नंगे पाँव टूटी हुई जूते के साथ पैदल गया हूँ, मेरे पास कोई लेकिन मैं घबराया नहीं कि मैं इतनी दूर काम सीखने के लिए क्यों आऊँ।